वेलकम बैक फ्रेंड्स, सौरभ कर्वी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि हमारे साथ किस तरह से सिम फ्रॉड हो रहा है। कहने का मीन, जब आप एक नई सिम लेने जाते हैं या फिर अपनी सिम रिप्लेसमेंट कराने जाते हैं, जब आपकी सिम खो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसी नंबर को आप दोबारा से जब लेने जाते हैं तो वहां पर आपके साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है, कैसे स्कैम हो रहा है, आपकी आईडी का मिसयूज हो रहा है, आपकी आईडी से दूसरी एक और सिम एक्टिवेट करके वो रख लेते हैं या फिर किसी और व्यक्ति को वो बेच देते हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कैसे इस तरह के फ्रॉड और स्कैम से हम बच सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभी इंडिया पे आप नई सिम कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी नई सिम लेनी है तो इस समय का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर अभी कोई ईकेवाईसी वाला सिस्टम नहीं चल रहा कि आप अंगूठा लगाएंगे तब आपको वहां पे सिम मिलेगी, तो ऐसा अंगूठा वाला कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा। अगर आप किसी शॉप पे या दुकान पे, स्टोर पे जाते हैं, वहां पे अगर आपके साथ अंगूठा लगा के कहेगा कि सिम दे रहे हैं हम पंचिंग करके, थंब स्कैन करके, तो आप समझ जाइएगा वहां कोई फ्रॉड या स्कैम हो रहा। अभी केवल जब आपको नई सिम लेना होगा तो इसके लिए आपको आपका अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट के जरिए ही आपको सिम मिल सकती है। अब सिम मिलने में क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके ओरिजिनल आधार कार्ड की फोटो खींची जाएगी और साथ ही साथ आपकी फोटो खींची जाएगी और फिर आपको यहां पर सिम दे दी जाएगी। यहां पर अब कोई भी फोटो कॉपी और या फिर आपकी कोई पासपोर्ट फोटो नहीं जमा होती और आपको एक नई सिम स्कैन करके फोन के जरिए एक्टिवेट करके आपको दे दी जाती है, जो अमूमन 2 या 3 घंटे पे चालू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास कोई सिम थी और वो खो गई है, डैमेज हो गई है या भी कोई भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सेम उसी नंबर को अगर हम निकलवाना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जिस भी कंपनी की आप सिम यूज कर रहे थे उसके स्टोर या पॉइंट पे जाना होगा और वहां पर सेम वही आईडी लगेगी आपकी जिस से आपने अपनी सिम इशू करवाई थी। लाइक जैसे मान लेते हैं आपने अपना आधार कार्ड से इशू करवाया था तो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस से इशू करवाया था ड्राइविंग लाइसेंस से, या फिर वोटर आईडी कार्ड से लिया हुआ था तो वोटर आईडी कार्ड से। वैसे आप आधार आईडी लेके आप अपनी रिप्लेस सिम दोबारा से निकलवा सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उन्हीं आईडी से ही अपनी दोबारा से सिम निकलवा सकते हैं जो आपने सिम खरीदते समय आईडी दिया था, जो नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस लिखा था, सेम जब आप दोबारा से रिप्लेस कराने जाएंगे तो आपको सेम टू सेम आईडी देनी होगी, जो पहले उस पे लिखा हुआ था सेम वैसा ही लिखा हुआ आईडी देना होगा। फिर चाहे आप कोई भी आईडी दे सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि जो आप सिम परचेज करते समय आईडी लगाए थे सेम वही आईडी लेके जाएं, तो आपको इजी वे में सिम निकल आएगी, आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और ना ही कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, ये बात हो गई कि हम नई सिम कैसे लेते हैं और सिम का रिप्लेसमेंट कैसे करवा सकते हैं। बात आती फ्रेंड, जब आप यही नई सिम लेने जाते हैं या फिर अपनी सिम को रिप्लेसमेंट कराने जाते हैं, सेम नंबर का निकलवाने जाते हैं, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड, जो भी एम्प्लॉय है जहाँ पे आप सिम रिप्लेस करवाने गए हैं या फिर जो भी इस तरह की सर्विस का काम कर रहा है, उन सभी को कंपनी टारगेट दी होती है कि आपको आज 25 सिम एक्टिवेट करनी होगी, 25 एमएनपी करनी होगी। तो ऐसे में जब फ्रेंड्स आप अपनी नई सिम लेने जाते हैं या फिर आप अपना नंबर को पोर्ट कराने जाते हैं, तो वहां पर वो आपके ही आईडी से एक और सिम को एक्टिवेट कर देता है, आपके ही आईडी से एक और नई सिम को चालू कर देता है जिसकी जानकारी आपको नहीं होती। जान लेते हैं कि हम कैसे उन्हें पकड़ सकते हैं, क्या क्या वो स्टेप को फॉलो करते हैं। जब आप उनके स्टेप को ध्यान देंगे तो आप जान जाइएगा कि आपके नाम की एक दूसरी सिम वो एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जहां से सिम ली थी या फिर जिस भी ऑथराइज सर्विस सेंटर गया हुआ हूं वहां पर कोई स्कैम नहीं हो रहा होगा, फ्रेंड्स वहां पर भी स्कैम हो रहा होगा। इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको सेल्स का टारगेट होता है और वो सिम ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको टारगेट दिखाना होता है, उनको टारगेट पूरा करना होता है। ऐसे में वो आपके सिम से डुप्लीकेट सिम चालू कर सकते हैं। तो आपको किसी भी स्टोर या पॉइंट के एम्प्लॉय पे विश्वास नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो एक सेल्स का, मार्केटिंग का भी लड़का है, वो आपके आईडी से एक सिम जरूर से एक्टिवेट करेगा। सेकंड पॉइंट फ्रेंड, जब भी आप अपनी नई सिम लेने जाते हैं या फिर आप जब अपनी सिम को रिप्लेस कराते हैं, तो वहां पर स्टोर पे देखते होंगे मोस्टली 2 लड़के में देखने को मिल जाते हैं या 2 एम्प्लॉय देखने को मिल जाते हैं। अगर वो आपसे आपका आधार कार्ड लेते हैं या फिर कोई भी आईडी आपकी लेते हैं और उसकी फोटो दोनों लोग खींच रहे हैं, मैंने पहले जो आईडी लिया उसने आपके मोबाइल से फोटो खींच ली, बाद में वो देखता है फिर वो फोटो खींच लेता है और फिर अगेन आपकी भी फोटो कैप्चर करता है वो अपने फोन से, फिर अपने फोन से और
फिर आपको दे देता है। समझ जाइएगा कि आपकी आईडी से दो सिम एक्टिवेट की गई है, क्यों इनके पास जो भी मोबाइल होता है कंपनी की तरफ से जो इनको ऑथराइज होता है केवल एक सिंगल फोन पे चलाने के लिए ऑथराइज होता है। अगर ये डबल फोन पे चला रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके नाम की वो डबल सिम एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर रिप्लेस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कि स्टोर पे सिंगल पर्सन बैठा है, सिंगल एम्प्लॉय है, तो वो कैसे स्कैम करता है फ्रेंड्स? वो क्या करता है कि आपकी आईडी लेता है, आपकी आईडी की फोटो क्लिक करता है, फिर आपकी फोटो क्लिक करता है, उसके बाद वो सिम को स्कैन करता है। सिम स्कैन करने के बाद थोड़ी देर बाद बोल देता है कि सर्वर एरर आ गया, ये सिम डैमेज हो गई, ये सिम खराब हो गई, ये सिम एक्टिवेट नहीं होगी, उसको साइड में दूसरी जगह रख देता है और आपकी दोबारा से वो आईडी की फोटो खींचता है और फिर आपकी फोटो खींचता है, फिर दूसरी कोई नई सिम को वो स्कैन करता है। कई बार ऐसा होता है कि सर्वर एरर नहीं होता है, वो केवल आपकी सिम को स्कैन करके आपकी आईडी से एक्टिवेट करके अलग रख देता है, वो दूसरी सिम को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है आपकी आईडी से, और जो भी दूसरी सिम एक्टिवेट करता है उसे आपको दे देता है और वाली सिम को वो बोल देता है कि खराब हो गई है या डैमेज हो गई है सर्वर एरर की वजह से, उसमें प्रॉब्लम आ गई, ये सिम आपकी एक्टिवेट नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉय अकेले भी है तो भी वो आपके आधार कार्ड से अलग अलग तरीके से दो मोबाइलों पे फोटो खींचता है और बाद में आपके सामने भी दो फोटो क्लिक करता है, तो ऐसे में फ्रेंड्स वो आपके नाम की दो फर्जी सिम एक्टिवेट कर रहा है। एक जब आप रिप्लेस करवा रहे होते तो वो तो आपके आईडी के लिए सिम निकालता है, दूसरा आप अपने लिए वो एक एक्टिवेट करके सिम रख लेता है। ऐसे ही प्रोसेस को तब भी वो अप्लाई करता है जब आप एक नई सिम लेने जाते हैं। फ्रेंड्स ये बात हो गई कि कैसे वो आपके साथ एक डुप्लीकेट सिम को निकालते हैं। फ्रेंड्स आप जान लेते हैं कि इस तरह के फर्जी से या इस तरह के स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको हमेशा उन एम्प्लॉयों पर नजर रखनी होगी, अगर वो इधर उधर करके कोने पे, कभी डेस्क के नीचे, कभी इधर उधर करके अगर फोटो आपकी आईडी की फोटो खींच रहे हैं तो उसे आप तुरंत साफ मना कर दीजिए। कहिए कि जो भी आईडी के साथ मेरी फोटो क्लिक करना है, सिम स्कैन करना है, जो भी सिम को स्कैन करना है वो मेरे ही सामने करो, मेरे डेस्क के सामने करो, आपको नीचे ले जाके इधर उधर छिपा के करने की जरूरत नहीं है अगर आप जेन्युइन पर्सन है तो। और आप इस तरह एक बार बोल देंगे तो वो ना नहीं कर सकता, वो आपके सामने ही और बहुत ही डर के थोड़ा समझ के काम करेगा आपके साथ, वो किसी तरह से फर्जी सिम या फिर डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट फ्रेंड, जो भी एम्प्लॉय को आप आधार कार्ड या अपनी आईडी दें केवल उस एम्प्लॉय को ही कहें कि मेरा वर्क करे, ऐसा नहीं कि उसके साथ जो भी लोग बैठे हुए हैं या फिर जो भी मार्केट में या दुकान पे हैं वो पहले अपना लेता है फोटो खींचता है, फिर अगले बगल वाले को दे देता है, फिर वो फोटो खींचता है, आप साफ उसे मना कर दीजिए, दो में से एक लोग ही काम करो, तुम मेरी आईडी की फोटो के साथ फोटो क्लिक करके या मेरी सिम एक्टिवेट करो या फिर तुम्हें कर रहा हो तो तुम कर दो, दोनों लोग मिलकर मेरी सिम को एक्टिवेट ना करो, इस तरह आप साफ उसे मना कर सकते हैं, चाहे फिर वो दुकानदार हो चाहे फिर वो किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय हो। यहां पे आपको डरने की एक भी जरूरत नहीं है क्योंकि डरना उन्हें चाहिए क्योंकि वो आपकी आईडी का मिसयूज करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, अगर वो मल्टीपल सिम को स्कैन कर रहे हैं, पहले एक सिम को स्कैन करके भी साइड में रख देते कि नहीं ये स्कैन नहीं हुई, ये वर्क नहीं कर रही, फिर दोबारा दूसरी सिम को स्कैन करते और कह देते हैं कि सर्वर एरर हो गया, ये भी एक्टिव सिम चालू नहीं हुई, या फिर कोई भी और भी बहाने से एक से या दो बार सिम को वो अगर स्कैन कर लेते हैं तो आप उनसे तुरंत वो सिम मांग लीजिए, कह दीजिए जब ये सिम खराब हो गई तो मुझे दे दो। अगर वो देने से मना करता है तो आप उसको अपने सामने ही उसको डैमेज करवाइए, तोड़वा दीजिए, इस तरह करके आपके आईडी की फर्जी सिम एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का ओटीपी उसके साथ शेयर नहीं करना है। सिम रिप्लेसमेंट के समय केवल एक या दो बार ओटीपी आता है, केवल उसी को शेयर करना है। बार बार अगर ओटीपी के लिए वो कह रहा है तो आप नहीं करवाइएगा। अगर वो कह रहा है सर्वर एरर आ रहा है तो आप वो जो सिम को स्कैन किया था उस सिम को आप ले लीजिए और कह दीजिए जब सर्वर आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके स्टोर आके विजिट करके अपनी सिम को रिप्लेस करवा लूंगा। तो फ्रेंड ये तरीके थे जिससे आप सिम फ्रॉड से बच सकते हैं। हमेशा आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। फ्रेंड्स अगर आप यूपीआई का यूज करते हैं फोन पे या गूगल पे तो आप मेरे इन वीडियो को जरूर से चेकआउट करिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो को आप अपने छोटे भाई बहनों या फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा क्योंकि अक्सर वो इस चीज का शिकार वही होते हैं क्योंकि उनको काफी ज्यादा जानकारी नहीं होती, सिस्टर होती है या फैमिली में और भी लेडीज जो होती है जब वो सिम लेने जाती है तो इस स्कैम का शिकार सबसे ज्यादा वही होती है। तो इसलिए ये वीडियो मेरा उन लोगों तक जरूर से शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए, और अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पे देख रहे थे तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे।